Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject construction technology, and we are in the first module named foundation. तो हम foundation वाले module में है जहां पे हमने पिछली बार classification of piles based on functions देखा था. मतलब pile एक type of deep foundation है जिसमें हमने इसका detailed classification based on its use or its function बोल सकते हैं. ये हमने डिटेल में देखा था. और अगर आप ये चीज फिर से रिपीट करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो यही प्लेलिस्ट में पिछला वाला लेक्चर आप देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स. नाउ इफ वी क्लासिफाई द पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स, देन वी आर हैविंग दिस फाइव टाइप्स ऑफ पाइल्स, नेमली कॉन्क्रीट पाइल्स, स्टील पाइल्स, टिम्बर पाइल्स, कंपोजाइट पाइल्स एंड सैंड पाइल्स. तो हम ये सभी टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स आज हम डिटेल में देखेंगे, जहां पे सबसे पहले हम कॉन्क्रीट पाइल्स देखेंगे, विच कैन बी क्लासिफाइड एज प्रीकास्ट पाइल्स. सी, दिस इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट पाइल्स. आगे इसके और टाइप्स यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं. पाइल्स विच इज बेस्ड ऑन मटेरियल, इट कैन बी क्लासिफाइड एज दिस फाइव टाइप्स. एंड अगेन कॉन्क्रीट पाइल्स इस तरह से क्लासिफाई होता है. प्रीकास्ट पाइल्स, यह है कॉन्क्रीट का फर्स्ट टाइप. देन कास्ट इन सिटू पाइल्स, यह है कॉन्क्रीट पाइल्स का सेकेंड टाइप. एंड प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइल्स, तो फिर से यह कॉन्क्रीट पाइल्स का थर्ड टाइप है. तो यह हो गया सब क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स. एंड यहां पर फिर से कास्ट इन सिटू पाइल्स, मतलब पाइल्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्टली कास्ट होती है, उसे कास्ट इन सिटू पाइल्स बोलते हैं. तो क्योंकि हमें मालूम है इसका मटेरियल कॉन्क्रीट है, वी आर क्लासिफाइंग पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल. तो पाइल्स का अगर मटेरियल कॉन्क्रीट है, सीमेंट कॉन्क्रीट से हम पाइल बना रहे हैं, तो तीन प्रकार की टाइप्स का पाइल्स हम बना सकते हैं. फर्स्ट इज प्री कास्ट पाइल्स, मतलब पहले से कास्ट की गई पाइल्स, फैक्ट्री में बना करके हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे ला रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्री कास्ट पाइल्स, पहले से कास्ट की गई. देन सेकेंड इज कास्ट इन सिटू पाइल्स, मतलब साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे कास्ट की जाने वाली पाइल्स को हम कास्ट इन सिटू पाइल्स बोलते हैं. एंड प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट पाइल्स, तो ये एक पहले से स्ट्रेस दी गई पाइल्स है, जिसकी वजह से इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन आर सिलेबस, बट वी विल लर्न इट लेटर ऑन. इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे. फिलहाल हम कास्ट इन सिटू पाइल्स के सब क्लासिफिकेशन देखेंगे, केस्ड और अनकेस्ड. मतलब यहां पे पाइल्स में केस लगा हुआ होता है, मतलब अगर हम कास्ट इन सिटू पाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पहले तो हमारी साइट पे बोर करना पड़ेगा. फिर बोरिंग एक बार हो जाए, उसके बाद में अलग अलग टाइप्स की पाइल्स हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम साइट पे ही कास्टिंग कर रहे हैं. बोर करके उसमें कॉन्क्रीटिंग करेंगे या फिर कोई भी मेथड इस्तेमाल करके हमारा फाउंडेशन खड़ा करेंगे. तो यहां पे और दो टाइप्स है, केस्ड और अनकेस्ड. तो केस्ड मतलब एक केसिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने बोरिंग की बात की, तो जैसे ही हम बोरिंग करते हैं, इसमें हम केस लगाते हैं, इसका एक प्रोटेक्टिव कवर लगाते हैं, तो इसे हम केस्ड कास्ट इन सिटू पाइल्स बोलते हैं. और अगर यहाँ पे सिर्फ बोरिंग करके रख देते हैं और कोई केसिंग नहीं लगाते, कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं लगाते, तो इसे अनकेस्ड कास्ट इन सिटू कॉन्क्रीट पाइल्स बोलते हैं. तो केस्ड के जो टाइप्स है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट टू डेवलप इट, रेमन पाइल्स, मैक ऑर्थर पाइल्स, मोनोट्यूब पाइल्स, बीएसपी बेस्ड ड्रिवन पाइल्स, स्वेज पाइल्स, बटन बॉटम पाइल्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट अनकेस्ड पाइल्स, मतलब ये एक रफ पाइलिंग है जहां पे कोई केसिंग नहीं इस्तेमाल किया जाता, सिंप्लेक्स पाइल्स, फ्रेंकी पाइल्स, विब्रो पाइल्स, पेडेस्टल पाइल्स एंड प्रेशर पाइल्स. सो दिस इज द सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट इन सिटू पाइल्स. वी जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस नेम्स, ये सिर्फ नाम ही हमें याद रखने हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल दिस टाइप्स ऑफ केस्ड एंड अनकेस्ड टाइप ऑफ पाइल्स इन डिटेल. द इम्पोर्टेंट थिंग हियर वॉज, जो चीज इम्पोर्टेंट थी यहां पे, वो है प्रीकास्ट पाइल्स, मतलब पहले से फैक्ट्री में कास्ट की जाने वाली पाइल्स, जो कि जब वक्त पड़े तब कंस्ट्रक्शन साइट पे
ला करके इसको पाइलिंग किया जाता है। देन कास्ट इन सीटू पाइल्स, इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइट पे बनने वाली पाइल्स। देन सेकेंड इज स्टील पाइल्स। तो अगर हम पाइल का मटेरियल स्टील रखते हैं तो इसके और तीन टाइप्स बन जाते हैं, एच पाइल्स, बॉक्स पाइल्स और ट्यूब पाइल्स। सो दिस थ्री टाइप्स ऑफ पाइल्स आर बेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन। अगर हम बीच में से काटते हैं पाइल को तो या तो एच सेक्शन में, एच शेप में दिखेगी, बॉक्स सेक्शन में दिखेगी, या फिर ट्यूब यानी कि एक सिलिंड्रिकल सेक्शन में दिखेगी। ये हम डिटेल में देखेंगे। देन इफ यू आर यूजिंग द मटेरियल ऑफ द पाइल एज टिम्बर और वुडन पाइल्स, देन इट इज नोन एज टिम्बर पाइल्स। कंपोजाइट पाइल्स भी हम डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा मटेरियल अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी पाइल बनाने के लिए तो इसको कंपोजाइट पाइल माना जाता है, एक से ज्यादा मटेरियल। देन सैंड पाइल्स। तो दोस्तों सैंड से भी हम पाइल्स को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सैंड है तो ये लोड नहीं कैरी कर पाएगी। तो इसके लिए अलग टेक्निक रहती है जिसकी मदद से हम इसको पाइलिंग और बोरिंग करते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट स्टील पाइल्स। तो यहां पे जो टाइप्स था वो कंक्रीट का ए टाइप था, वो हमने डिस्कस कर लिया, उसका क्लासिफिकेशन देखा हमने। और स्टील पाइल्स की बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल। जहां पे मैंने बताया कि इफ वी कट द पाइल क्रॉस सेक्शनली तो इस टाइप का कुछ, इस शेप का कुछ क्रॉस सेक्शन हमें नजर आएगा। तो अगर हम बीच में से काटते हैं एंड द सेक्शन इज सीन समथिंग लाइक दिस, तो इसे हम एच पाइल बोल सकते हैं क्योंकि इसका सेक्शन कुछ एच की तरह है। फिर बॉक्स पाइल्स भी इस्तेमाल की जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिसका आकार कुछ बॉक्स जैसा रहता है। एंड ट्यूब पाइल्स, जैसा कि मैंने बताया कि सिलेंड्रिकल ट्यूब को हम बीच में से काटते हैं, ठीक वैसा ही क्रॉस सेक्शन हम सिलेंड्रिकल पाइल्स में भी, ट्यूब पाइल्स में भी देख सकते हैं। तो ये तीन टाइप है स्टील पाइल्स में से, और हमें इसे याद रखने हैं। देन थर्ड वन हियर इज, पहले हमने देखा कॉन्क्रीट पाइल्स, फिर स्टील पाइल्स, अब हम देखेंगे टिम्बर पाइल्स। ओके, बट बिफोर दैट विल अंडरस्टैंड दिस थ्री इन डिटेल, मतलब इसका यूज कहां पे होता है वगैरह सभी चीजें हम अभी देखेंगे। तो अगर हम बात करें एच पाइल्स की, तो एक तो मैंने बताया कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो एच शेप में रहता है। देन दिस पाइल्स आर यूजुअली वाइड फ्लेंज सेक्शन, मतलब ये कुछ, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो वाइड रहता है, कुछ बड़ा रहता है। दे आर सुटेबल फॉर ट्रेसल टाइप स्ट्रक्चर इन विच द पाइल्स एक्सटेंड अबव द ग्राउंड लेवल एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कॉलम। मतलब ये ट्रेसल टाइप के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसका जो अपर एंड है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रहता है, तो ये एक कॉलम की तरह भी एक्ट कर सकती है। इसका जो अपर एंड है वो ज्यादातर ग्राउंड लेवल के ऊपर तक निकलता है और हम देख सकते हैं। सिंस दे हैव सो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, देयरफॉर दे कैन बी इजीली ड्रिवन इन सॉइल इन विच इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। जैसा कि मैंने बताया, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ गया, तो एरिया मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है एरिया की वो कम हो चुकी होगी, तो इसकी वजह से हम इसको सॉइल में इजीली ड्राइव कर सकते हैं कंपेयर्ड टू अदर पाइल्स। दे आर यूज्ड एज लॉन्ग पाइल्स विद हाई बेयरिंग कैपेसिटी। फिर बात करते हैं बॉक्स पाइल्स की। दे आर रेक्टेंगुलर और ऑक्टेगोनल इन फॉर्म ऑफ फिल्ड विद कॉन्क्रीट, मतलब इसको बीच में कॉन्क्रीट से फिल किया जाता है। यहां पर मैंने दिखाया नहीं है, पर इसको बीच में कॉन्क्रीट से फिल किया जाता है। रेक्टेंगुलर या फिर ऑक्टागोनल भी शेप इसका रह सकता है। दीज पाइल्स आर यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव एच पाइल्स इनटू हार्ड स्ट्रेटा। तो मतलब जब स्ट्रेटा बहुत रॉकी है, मतलब ये बहुत हार्ड स्ट्रेटा है, पत्थराड़ जमीन है, तो इसके अंदर हम एच पाइल्स नहीं डाल सकते, तब हम बॉक्स पाइल्स यूज करेंगे। देन इफ यू टॉक अबाउट ट्यूब पाइल्स, इन दिस टाइप ट्यूब्स और पाइप्स ऑफ स्टील आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे ट्यूब या फिर पाइप बोल सकते हैं स्टील के, वो ग्राउंड में ड्राइव किए जाते हैं। कॉन्क्रीट इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूब ऑफ द पाइल, मतलब इसमें भी हमें कॉन्क्रीटिंग करना है, एक बार केसिंग कर दे उसके बाद में, यहां पे भी कॉन्क्रीटिंग फील किया जाता है, सीमेंट कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं हम। बिकॉज ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दीज पाइल्स आर इजी टू हैंडल एंड इजी टू ड्राइव इन। तो क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है,
तो ये इसका जो ड्राइविंग है वो बाकी सब इसके फंक्शंस है वो बहुत इजी बन जाते हैं। मतलब इसको हैंडल करना और इसका ड्राइविंग करना बहुत आसान बन जाता है कंपेयर टू बॉक्स एंड एज पाइल्स। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टील पाइल्स के बारे में, एंड इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट। स्टील पाइल्स के क्या क्या एडवांटेजेस है। सो दीज पाइल्स कैन इजिली विदड्रॉ विथस्टैंड द स्ट्रेस ड्यू टू ड्राइविंग। मतलब ड्राइविंग करते वक्त हम इसको इसके ऊपर हमें कई बार हैमरिंग करना पड़ता है, तो ये पाइल बीच में से कभी टूटेगी नहीं क्योंकि ये स्टील से बनी है एंड ये कई गुना स्ट्रेस ले सकती है। देन द सेकेंड पॉइंट इज दीज टाइप्स ऑफ पाइल्स कैन सस्टेन लोड इवन लेटरली। मतलब अगर लेटरल लोड लगता है इसमें, कॉलम की तरह नहीं पर इस तरफ से या फिर इस तरफ से लोड लगता है, अगर ये पाइल जेड डायरेक्शन में है तो, या एक्स या वाई डायरेक्शन में लोड लगता है, तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा क्योंकि ये स्टील से बनी हुई है, इट कैन टेक द लोड। देन थर्ड इज दिस पाइल्स कैन बी इजिली लेंथेंड बाई वेल्डिंग एंड कैन बी कट ऑफ इजिली। मतलब अगर हम चाहे तो इसको इसकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं वेल्डिंग करके, और अगर हम चाहे तो इसको बीच में से हम काट भी सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया है स्टील पाइल्स का। देन द फोर्थ पॉइंट इज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पाइल्स इज कंपेरेटिवली हाई। मतलब ये पाइल कुछ ज्यादा ही लोड ले सकती है कंपेयर टू अदर पाइल्स, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर हम ये टाइप की पाइल्स इस्तेमाल करते हैं, माना कि इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। दिस पाइल कैन टेक अप इम्पैक्ट स्ट्रेसेस। मतलब ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, तो अगर हम इसको हैमरिंग करते हैं तो इम्पैक्ट यानी कि अचानक से अगर कोई स्ट्रेस आता है तो ये पाइल इसे भी बेयर कर सकती है। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, हमने पांच एडवांटेजेस देखे अलग अलग, और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सिर्फ एक ही मेन डिसएडवांटेज है इसका, जो है कोरोजन। इसके क्योंकि ये स्टील से बनी हुई पाइल से इसमें कोरोजन लग सकता है, और हालांकि ये कॉस्टली तो है ही बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि इफ वी आर कंसिडरिंग कंस्ट्रक्टिंग सच स्ट्रक्चर देन वी माइट नॉट बी हैविंग सच कॉस्ट इश्यूज एक्सपेंसिस। तो हमारा मेन डिसएडवांटेज रहेगा कोरोजन। तो स्टील पाइल्स के बाद हम बात करेंगे टिम्बर पाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया है जो कि टिम्बर पाइल रिप्रेजेंट करता है। दीज पाइल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। मतलब ये ट्रंक ऑफ द ट्रीज में से बनाया जाता है। दे मे बी सर्कुलर और स्क्वायर। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एक्चुअली मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, जैसा हम चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। दे आर 30 to 50 cm इन डायामीटर विथ अ लेंथ नॉट एक्सीडिंग 20 times इट टॉप विथ। मतलब इसका जो डायामीटर है, मतलब अगर हम क्रॉस सर्कुलर टिम्बर पाइल इस्तेमाल कर जाए तो इसका डायामीटर है वो 30 to 50 cm रहता है, एंड इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये इसकी टॉप विथ से 20 times से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सपोज इसकी जो टॉप विथ है वो 30 cm है सपोज, तो 30 × 20 दैट इज 600 cm ये मैक्सिमम लेंथ इसकी हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेंथ हम नहीं ले सकते फॉर टिम्बर पाइल्स। नाउ एट द बॉटम ऑफ दिस टिम्बर पाइल अ कास्ट आयरन शू इज प्रोवाइडेड एंड एट द टॉप ऑफ दिस टिम्बर प्लेट अ स्टील प्लेट इज प्रोवाइडेड। तो क्योंकि ये स्टील पाइल्स की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसको ड्राइविंग के दौरान डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए हमें कास्ट आयरन का शू नीचे का रखना पड़ता है ताकि जैसा कि अगर हम हैमरिंग करें तो यहाँ नीचे की तरफ ये डैमेज ना हो, इसका पॉइंट जो है वो डैमेज ना हो। और वैसे ही ऊपर जहां पे हैमरिंग करते हैं हम, उस तरफ हमें स्टील की एक प्लेट रखनी है ताकि डायरेक्टली हम टिम्बर के ऊपर हैमरिंग ना करें और इसको डैमेज ना करें। नाउ इफ अ ग्रुप ऑफ टिम्बर पाइल्स इज ड्रिवन द टॉप ऑफ ईच पाइल इज ब्रॉट एट द सेम लेवल एंड देन अ कॉन्क्रीट कैप इज प्रोवाइडेड। मतलब अगर हम चाहे तो बहुत सी ऐसी टिम्बर पाइल्स नजदीक नजदीक लगा के इसके ऊपर एक पाइल कैप लगा सकते हैं ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, कॉमन लोडिंग मिल जाए। तो सभी पाइल्स के ऊपर हम एक पाइल कैप लगा देते हैं जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसा भी हम कर सकते हैं इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। दे हैव स्मॉल बेयरिंग कैपेसिटी एंड आर नॉट परमानेंट
अनलेस ट्रीटेड, मतलब जैसा कि मैंने बताया इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो मतलब परमानेंट इसके ऊपर ऐसी कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते जैसे कि ग्रुपिंग ऑफ पाइल्स या फिर सॉइल के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते, तब तक ये इसको परमानेंट नहीं माना जाता, हम परमानेंटली इसे नहीं यूज कर सकते। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द टिम्बर पाइल्स। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टिम्बर पाइल्स। इसके एडवांटेजेस देखेंगे। वेयर टिम्बर इज अवेलेबल इजीली, दिस पाइल्स प्रूव टू बी इकोनॉमिकल, क्योंकि हमें मालूम है कि ये टिम्बर बहुत इजीली हमें मिल जाता है, तो ये एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। द लेंथ ऑफ द टिम्बर पाइल्स कैन बी एडजस्टेड इधर बाई कटिंग और लेंथनिंग विदाउट मच एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमने पहला जो पॉइंट है वो देख लिया, और सेकेंड पॉइंट है एडवांटेज का, वो है लेंथ ऑफ द टिम्बर पाइल कैन बी एडजस्टेड इधर बाई कटिंग और लेंथनिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब अगर हम इस लेंथ की बात करें, जो हमने बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा हम इसको 600 सेंटीमीटर रख सकते हैं अभी फॉर दिस पाइल, तो अगर हम चाहे तो इसको लेंथन कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं, बट नॉट एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है इसके लेंथ को एडजस्ट करने का भी। देन आवर थर्ड पॉइंट इज दिस पाइल्स कैन बी रिमूव इजिली इफ नेसेसरी। अगर हम चाहे तो कभी भी इस पाइल्स को निकाल सकते हैं जमीन में से, हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवांटेज का, वो है स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर पाइल्स। मतलब यहाँ पे कोई स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है जब हम टिम्बर पाइल्स लगाते हैं या फिर टिम्बर पाइल्स बनाते हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी इसे बना सकते हैं बहुत इजीली। तो ये किसका एडवांटेज हो गया। फिर लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेज है दिस पाइल्स डू नॉट रिक्वायर हेवी इक्विपमेंट फॉर ड्राइविंग। मतलब इसको जमीन में डालने के लिए हमें ड्राइविंग करने के लिए बहुत हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आसानी से जमीन में चला जाएगा। तो ये पांच एडवांटेज हमने डिस्कस किए, हालांकि इसके और चार भी डिसएडवांटेजेस भी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है दिस पाइल्स डिटीरियरेटेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सॉइल एंड सॉल्टी वाटर और इंसेक्ट्स। तो जो ख्याल आपको पहले ही आ चुका होगा, क्योंकि ये टिम्बर की पाइल है तो ये अगर परमानेंटली हम ड्राइव करते हैं सॉइल में, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ सॉइल एंड सॉल्टी वाटर की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से इसमें डैमेज हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट है दिस पाइल्स कैन नॉट टेक हैवी लोड। मतलब ये ज्यादा हैवी लोड भी नहीं ले पाएगी क्योंकि ये टिम्बर से बनी हुई है। थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज का, वो है दिस पाइल्स कैन नॉट बी ड्रिवन इन टू हार्ड ग्राउंड। अगर यहाँ पे पत्थर आ जाता है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इसका ड्राइविंग ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव इन अ हार्ड स्ट्रेटा। देन लास्ट डिसएडवांटेज इज दे आर लेस ड्यूरेबल। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये डैमेज हो सकती है परमानेंट, अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सॉल्टी वाटर, सॉइल की एक्शन, इंसेक्ट्स की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब इतनी यह टिकती नहीं है पाइल। तो ये इसका फोर्थ डिसएडवांटेज हो गया। तो ये बात हो गई टिम्बर पाइल्स की। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजाइट पाइल्स के बारे में, एंड दिस इज द फोर्थ टाइप, दैट इज डी कंपोजाइट पाइल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल। तो यहां पे जो मैंने दिखाया है वो कॉन्क्रीट और टिम्बर दोनों को मिक्स करके कंपोजाइट पाइल बनाई है। नाउ द डेफिनेशन इज दिस इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स आर ड्रिवन वन ओवर द अदर सो एज टू एनेबल देम टू एक्ट टूगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सिंगल पाइल। मतलब एक के ऊपर दूसरी पाइल इस तरह से कुछ हम जोड़ते हैं जैसे कि एक पाइल की तरह ही एक्ट करती है। इन दिस कॉम्बिनेशन एडवांटेज इज टेकन ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट पाइल्स एंड द चीपनेस ऑफ द टिम्बर। तो जैसा कि हमने देखा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत नहीं है टिम्बर की, और कॉन्क्रीट थोड़ा महंगा रहता है, तो हम दोनों का एडवांटेज ले सकते हैं। जहां पे रिक्वायर्ड है ड्यूरेबिलिटी की वहां पे हम कॉन्क्रीट इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे चीपनेस की हम रिक्वायरमेंट है वहां पे हम टिम्बर पाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वाटर लेवल है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंपोजाइट पाइल्स। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो दिस इज एन इकोनॉमिकल सोल्यूशन, ये एक इकोनॉमिकल पाइल है। देन सेकेंड पॉइंट इज दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट, ये बनाई भी बहुत आसानी से जाती है, ऐसा नहीं है कि कंपोजाइट है तो बहुत इसके में मेहनत लगेगी इसको बनाने में। दे आर सुटेबल फॉर ग्राउंड कंडीशंस इन विच अदर टाइप्स ऑफ पाइल्स विल बी अनसुटेबल।
मतलब ये कोई भी ग्राउंड कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमें पाइल को डिजाइन करना है जहां पे सपोज वाटर लेवल यहां तक है और यहां से यहां तक ग्राउंड और वाटर लेवल का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम पाइल को जैसा चाहे डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेटा। हमारी साइट पे सॉइल की कंडीशन जैसी है उसके ऊपर से हम कंपोजाइट पाइल को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपोजाइट पार्ट। इसके बाद टुडे वी विल सी द लास्ट टाइप ऑफ पाइल बेस्ड ऑन मटेरियल, दैट इज सैंड पाइल्स। दीज टाइप ऑफ पाइल्स आर फॉर्म बाय मेकिंग होल्स इन द ग्राउंड एंड देन फिलिंग देम विद द सैंड। मतलब ये सबसे पहले तो ग्राउंड में होल किया जाता है, बोर किया जाता है, फिर इसमें सैंड फिल की जाती है। दिस इज द प्रोसीजर। द टॉप ऑफ द सैंड पाइल्स इज फिल्ड विद द कॉन्क्रीट टू प्रिवेंट द सैंड इजेक्शन टू अपवर्ड्स ड्यू टू लेटरल प्रेशर। मतलब यहाँ पे कंक्रीट पाइल कैप से इसको पैक कर दिया जाता है ताकि लेटरल अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई भी तरफ से प्रेशर आए तो ये सैंड बाहर नहीं निकल जाए। सैंड पाइल्स आर स्पेस्ड एट 2 to 3 meter। यहाँ इसका डिस्टेंस जो है वो 2 से 3 meter से ज्यादा नहीं रहता। इट्स लेंथ इज कैप्ट अबाउट 12 times द डायमीटर। इसका जो डायमीटर है उसके कंपेयर में ये 12 times इसकी लेंथ रहती है। दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड कैन बी यूज फॉर एनी पोजिशन ऑफ वाटर टेबल। ये बहुत आसानी से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वाटर टेबल अगर यहाँ पे ज्यादा है तो हम सैंड पाइल्स यूज कर सकते हैं। मतलब वाटर टेबल अगर ऊपर है तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर लूज और वेट सॉइल्स और वेर देर इज डेंजर ऑफ स्कावर। मतलब स्कावर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पूरा जो एक लेयर है वो पानी के फोर्स की वजह से पूरा धुल जाता है, निकल जाता है। तो जहां पे ये पोजीशन है सॉइल की वहां पे हम सैंड पाइल्स नहीं इस्तेमाल करते, इसे बोलते हैं स्कावरिंग। दे आर ऑल्सो नॉट सुटेबल इन द रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। जहां पे ज्यादातर भूकंप आते हैं वहां पे भी हमें सैंड पाइल्स इस्तेमाल नहीं करनी है। तो फिगर जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, सैंड पाइल्स यहाँ पे है, इसके ऊपर पाइल कैप लग गई है और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर इस यहाँ मैंने पिंक कलर से दिखाया है। सो दिस इज द टाइप ऑफ पाइल बेस्ड ऑन मटेरियल सैंड पाइल्स एंड इट वॉज द लास्ट टाइप। इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अंडर रिम पाइल्स। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अंडर रिम पाइल्स एंड इट इज एन एंटायर डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे हमें कुछ थियरी देखनी है, पर उससे पहले अगर हम फिगर देख लेंगे इसका अंडर रिम पाइल का तो आसानी से हम इसे समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने अंडर रिम पाइल दिखाई है जहां पे ग्राउंड लेवल यहाँ पे दिखाया है और सपोज ये हम कंसिडर करते हैं तो ये नॉर्मल कॉन्क्रीट की पाइल है जहां पे एक छोटा सा बल्ब मैंने दिखाया है। अगर कट करते हैं हम बीच में से तो यह क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे लोड आता है तो पाइल इजीली नीचे नहीं जाएगी, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि यह बल्ब एक बीच में आ गया। वैसे ही हम दो बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम अंडर रिम बोलते हैं। तो इसकी मदद से हम बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं हमारी पाइल की, ताकि हमारे सुपर स्ट्रक्चर का लोड अगर ज्यादा भी हो तो भी वो स्टेबल रह सके। इस बल्ब को और इस सेटअप को हम बोलते हैं अंडर रिम पाइल, सिंगल बल्ब और मल्टीपल बल्ब। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थियरी ताकि आप आसानी से समझ जाओगे। दीज पाइल्स आर सक्सेसफुली डेवलप्ड फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल्स फिल्ड अप ग्राउंड एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल्स हैविंग पुअर बेयरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल है, फिर फिल्ड अप ग्राउंड है एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल हैविंग पुअर बेयरिंग कैपेसिटी। तो मतलब ये जो खराब सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल को बहुत खराब सॉइल माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत एक्सपांशन और श्रिंकेज आता है, तो मतलब इसकी भी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है। तो इस तरह की सॉइल में हमें अंडर रिम पाइल्स इस्तेमाल करनी है। देन दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पाइल्स। ये क्लासिफिकेशन में, मटेरियल में और फंक्शन में दोनों में नहीं आती क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पाइल है, मैन मेड है। एंड अंडर रिम पाइल इज अ बोर्ड कास्ट इन सिटू कॉन्क्रीट पाइल हैविंग वन और मोर बल्ब्स और अंडर रिम्स इन इट्स लोअर पोर्शन। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज नोन एज अंडर रिम पाइल वेयर वी मे हैव वन और टू बल्ब और मोर देन टू बल्ब ऑल्सो, एक से ज्यादा भी बल्ब हो सकते हैं और इसे बोलते हैं अंडर रिम पाइल्स। इन इट्स लोअर पोर्शन मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे। दी बल्ब्स और अंडर रिम्स आर फॉर्म बाय अंडर रिमिंग रॉड या फिर अंडर रिमिंग टूल। मतलब ये एक
जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे ये बल्ब बनाना इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए जो मशीन चाहिए उसे बोलते हैं अंडर रीमिंग टूल। द डायमीटर ऑफ द अंडर रीम्ड पाइल वेराइज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर रहता है वो 20 टू 50 सेंटीमीटर से वेरी करता है। एंड दैट ऑफ द बल्ब वेराइज फ्रॉम 2 टू 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइल। सॉरी, ये जो मैंने 20 टू 50 सेंटीमीटर बताया वो पाइल का डायमीटर है। ये दोनों पाइल का डायमीटर हम देखें तो इसका 20 टू 50 सेंटीमीटर वेरी होगा, पर अगर हम बल्ब के डायमीटर की बात करें तो वो होगा 3 टू 2 टाइम दैट ऑफ द डायमीटर, या 2 से 3 गुना इसका डायमीटर हो सकता है। दैट इज, अगर इसका 20 सेंटीमीटर है तो 40 या फिर 60 भी हो सकता है। ये बल्ब का डायमीटर। द लेंथ ऑफ द अंडर रिम पाइल इज अबाउट 3 मीटर टू 8 मीटर। मतलब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 3 से 8 मीटर तक जाती है, मतलब डेप्थ। द स्पेसिंग में वेरी फ्रॉम 2 टू 4 मीटर। मतलब ये स्पेसिंग की बात करें बिटवीन टू अंडर रिम पाइल्स, तो ये 2 से 8 मीटर, 4 मीटर के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये थियरी अभी हमने डिस्कस की है। यू कैन नोट डाउन इफ यू वॉन्ट, और यू कैन नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। वी विल कंटिन्यू विद द थियरी। देन नेक्स्ट इज, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अंडर रिम पाइल्स कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्शन ऑफ द पाइल्स ऑफ लार्जर डायमीटर, और बाय एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द पाइल्स, और बाय मेकिंग द मोर बल्ब्स एट इट्स बेस। मतलब अगर हम इस पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अगर बढ़ाना चाहते हैं, इस पाइल की अगर हम बात करते हैं, तो 3 अलग अलग वे है इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की। या तो हम नंबर ऑफ बल्ब बढ़ा सकते हैं, एक एक है तो 2 या 3 भी लगा सकते हैं हम। डायमीटर ऑफ द बल्ब हम बढ़ा सकते हैं, ये बल्ब हम बड़ा भी कर सकते हैं। और जो आखिरी ऑप्शन है वो है इसकी लेंथ, इसकी जो लेंथ है इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं, लेंथ को लेंथन कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट कैन वी डू टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पाइल। अ सिंगल अंडर रिम पाइल हैज ओनली वन बल्ब एट द बॉटम, व्हेन 2 और मोर बल्ब्स आर प्रोवाइडेड एट द बेस इट इज कॉल्ड मल्टी बल्ब अंडर रिम पाइल्स। तो अगर एक ही बल्ब है तो इसे सिंगल बल्ब बोलते हैं, और 2 और मोर बल्ब है तो इसे मल्टीपल बल्ब पाइल बोल सकते हैं, अंडर रिम पाइल बोल सकते हैं। द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द बल्ब वेरी फ्रॉम 1.25 टू 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बल्ब। तो ये हो गया हमारा अंडर रिम पाइल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर रिम पाइल्स। मतलब हाउ कैन द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द साइट, साइट पे एक्चुअल में। ये जैसे कि मैंने बताया था कि बल्ब ग्राउंड लेवल के नीचे बनाना इतना आसान नहीं है, तो इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है और कौन कौन से इसके लिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। सो आई विल कंटिन्यू। द फिगर शोज वेरियस स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर रिम पाइल्स। मतलब इसके लिए हम फिगर देखेंगे। द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइल्स आर, तो ये 3 इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। एक तो स्पाइरल ऑगर यूज फॉर बोरिंग, तो पाइल को बोर करने के लिए, बोरिंग ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए स्पाइरल ऑगर चाहिए। फिर अंडर रिमर, अंडर रिमर का क्या काम है, यूज फॉर मेकिंग बल्ब, मतलब बल्ब बनाने के लिए हम अंडर रिमर इस्तेमाल करेंगे। बोरिंग गाइड यूज टू कीप द होल वर्टिकल, मतलब ये जो हम पाइल बोरिंग का होल कर रहे हैं उसको वर्टिकल रखने के लिए, एकदम सीधा रखने के लिए बोरिंग गाइड इस्तेमाल करेंगे, एक टाइप का केसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फिगर देख के आप बहुत आसानी से समझ जाओगे इसका पाइल बेरिंग ऑपरेशन, पाइल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज द ग्राउंड इज लेवल्ड एंड द बोरिंग गाइड इज करेक्टली पोजिशन, सॉइल इनसाइड द राउंड कॉलर इज टेकन आउट, द स्पाइरल ऑगर इज देन लोअर्ड इनटू द ग्राउंड होल सो द फॉर्म्ड एंड रोटेटेड thus making the borehole. When the auger becomes full of the soil, it is taken out, the auger is again lowered and the process is repeated. मतलब ये auger को नीचे रहे, spiral auger है, इसको नीचे उतार दिया जाता है और जैसे ही ये फुल हो जाता है इसको बाहर निकाल के इस soil को collect कर दिया जाता है। तो इस तरह से boring operation सबसे पहले तो carry out किया जाता है, यह setup बना के, यह spiral auger का special setup है। Then the under reaming tool attached with the bracket
एट इट्स एंड इज एंड देन लोअर्ड एंड द होल इज देन मेड। यहाँ पे जो अंडर रिमिंग टूल है वो फिर यहाँ से नीचे उतार दिया जाता है एयर एंड इट इज रोटेटेड, मतलब ये बहुत तेजी से घूमता है ताकि यहाँ पे एक बल्ब बन जाए। इट इज फोल्डेबल एंड बेस्ड ऑन द डायमीटर डिजाइंड ये बड़ा और कम होता है। एंड देन दिस एंटायर सेटअप इज रिमूव्ड, ये सेटअप निकाल दिया जाता है क्योंकि हमने बोरिंग भी कर लिया और बल्ब भी बना लिया। तो अब ये सेटअप निकालने के बाद हम जो रिइंफोर्समेंट लगाते हैं फाउंडेशन में, उसी तरह से पाइल में भी फाउंडेशन रिइंफोर्समेंट लगाते हैं। तो रिइंफोर्समेंट पहले से बाहर बना के इसको अंदर उतार दिया जाता है और फिर हमारा लास्ट स्टेप है कॉन्क्रीटिंग। इस पाइल में कॉन्क्रीटिंग भी किया जाता है, इसे बोलते हैं अंडर रिम पाइल। एंड दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको डिटेल में इसको एलाबरेट भी करना पड़ेगा अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोसीजर टू प्रिपेयर अंडर रिम पाइल और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर अंडर रिम पाइल, ऐसा तो डिटेल में आपको इस सभी प्रोसीजर लिखना है। यू कैन रिफर द रेफरेंस बुक इफ रिक्वायर्ड। फिर अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो दे प्रूव टू बी इकोनॉमिकल टू द ट्यून ऑफ अबाउट 50-20% ऑफ द कन्वेंशनल स्ट्रिप फुटिंग। अगर हम इसको कन्वेंशनल स्ट्रिप फुटिंग के साथ कंपेयर करें तो वहां पे जितना मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, लेबर इस्तेमाल किया जाता है, वो कंपेयर करें तो 15-20% ये इकोनॉमिकल रहता है। देन सेकंड पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज दे डू नॉट रिक्वायर हैवी एक्सकेवेशन। यहाँ पे ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं किया जाता, सिर्फ रिक्वायर्ड है वहीं पे सिर्फ एक बोरिंग ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं हम। देन थर्ड इज नो शोरिंग इज रिक्वायर्ड, शोरिंग इस्तेमाल नहीं करते। देन बैक फिलिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब बैक फिलिंग भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस पाइल्स इज लेस, मतलब क्वांटिटी भी बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि रिइंफोर्समेंट है, कॉन्क्रीट है, ये बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए ये कंपेयर टू स्ट्रिप और स्प्रेड फुटिंग बहुत इकोनॉमिकल रहती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टूडे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द टॉपिक केशंस। टिल दैट टाइम वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।